राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने 37 भंडार गृहों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। 187 करोड़ रुपए की लागत से यूपी राज्य भंडारगार निगम बना रहा है भंडार गृह। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भंडार गृहों को बढ़ने से कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। 37 भंडार गृह बनने से किसानों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हमारे पास अनाज रखने की पूरी क्षमता नहीं थी, लेकिन किसान की उम्मीदों को सरकार ने पूरा किया। सरकार आते ही 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 3 सालों में किसानों ने माना है कि किसानों को नुकसान नहीं हुआ। साथ ही सीएम ने कहा, मंडी समितियों में स्टोरेज बनने चाहिए, स्टोरेज से किसानों को फायदा होगा और कालाबाजारी भी रुकेगी। कानपुर में नशे की हालत में सिपाही ने दिखाई हनक, बाबूपुरवा के हसनैन रोड पर जमकर मचाया उत्पात, महिलाओं और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता का आरोप, बच्चों को मारी लाठी। नगर निगम के कर्मचारी को भी दबंग सिपाही ने मारा थप्पड़, सिपाही आकाश राव की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में संजीत अपहरण हत्या का मामला, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संजीत के परिजन पुलिस वालों से बचाने की गुहार, संजीत की बहन को पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाया। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, लिखा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। बलिया जिले में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड जिले के फेफना थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को हुआ। मृतक पत्रकार रतन सिंह एक प्राइवेट टीवी चैनल में काम करते थे। विरोध में पत्रकारों ने हाईवे 31 पर धरना दिया। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में कहासुनी के दौरान ये वारदात हुई। पुलिस का कहना है कि हमलावर रतन सिंह के ही पाटीदार थे। एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए फेफना थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर निलंबित कर दिया। थाने के अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में मुआवजा, पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा। सीएम योगी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में हुई फायरिंग में पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या। जिले में एक हफ्ते के भीतर हुई तीसरी हत्या से दहशत। रात करीब 9:30 बजे की वारदात। हत्या से आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों ने बाजार में खड़े आरोपियों के 3 वाहन फूंक दिए। विपक्षियों के घर पर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी होने पर डीआईजी और एसपी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। डीआईजी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन टीमें गठित कर दी गई हैं। हथियारों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। लखनऊ में 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में घर वालों का आरोप, बरामद शव हमारी बच्ची का नहीं। पुलिस ने जबरन शव को करवाया दफन। शव का डीएनए कराने के लिए परिजनों ने डीए को लिखा पत्र। मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव फूल गया, जिसे घर वाले आरोप लगा रहे हैं। घर वालों की मांग पर डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से हुई मौत की पुष्टि। देने के बाद मौके से फरार, हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। चिनहट थाना क्षेत्र के मटियारी गांव का मामला। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया। मोदीनगर क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। थाना ट्रॉनिका सिटी में भी एक युवक को मारी गोली। युवक की बहादुरी से गोली उसको छूकर निकल गई। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी से झगड़े के बाद हो गया था समझौता। पड़ोसी ने ही वारदात को दे दिया अंजाम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में फाइनेंस कंपनी के मालिक का मर्डर, चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी फुटेज में दिखा हत्यारा। जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या के बीकापुर बाजार से अपने घर जा रहे जिला पंचायत सदस्य अवतांश तिवारी सिक्कू को गोली मार दी गई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिला पंचायत सदस्य की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज के मांडा इलाके में पावर प्लांट की देखभाल कर रहे सिक्योरिटी गार्ड पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में गार्ड को गंभीर चोट आई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में फर्जी ठेका दिलाने में करोड़ों की कमीशनखोरी से चर्चा में आए दो आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीएम योगी ने डीआईजी स्तर के दो अधिकारी दिनेश चंद दुबे और अरविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मेरठ में बुजुर्ग से 10.5 लाख रुपए की लूट। पिस्टल के बल पर बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। लोगों ने पुलिस पर लगाया केस दर्ज करने में लापरवाही का आरोप। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के जनता धर्म कांटा के पास की वारदात। चंदौली में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में वाराणसी के लंका थाने का बदमाश गिरफ्तार। टॉप 10 बदमाश के रूप में हुई अशोक यादव की पहचान। उसके पास से एक पिस्टल, 4 खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश फरार होने में कामयाब। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही कॉम्बिंग। पकड़े गए बदमाश पर गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 26 मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बोलेरो सवार दो शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। एक शातिर लुटेरे के पैर में लगी गोली, जबकि पुलिस ने दूसरे लुटेरे को भी घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। लूटी गई रकम, मोबाइल फोन, बोलेरो कार, दो तमंचे बरामद। घायल बदमाश को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के पुराने बाबूगंज से रविवार को अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया गया। कुंडा पुलिस ने 4 आरोपियों को असलहों के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। बागपत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने नगर पंचायत की पूर्व चेयरपर्सन के देवर और बेटे को गिरफ्तार कर दावा किया है कि संजय खोकर की हत्या नगर पंचायत चुनाव और पूर्व चेयरमैन के देवर के साथ चली आ रही रंजिश में अंजाम दिया गया था। 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अयोध्या में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जहां रेप पीड़िता पर ही पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर लिया। भजन गायक देवेंद्र पाठक पर महिला ने रेप और गर्भपात करने का आरोप लगाया। पीड़िता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, राम जन्मभूमि क्षेत्र का मामला। जालौन में पुलिस पर महिला के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिला के मुताबिक उसके साथ घर में घुसकर मारपीट और रेप किया गया। पीड़ित एसपी और डीएम के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रही है। संत कबीरनगर में किशोरी के साथ रेप का मामला, 3 युवकों पर लगा आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। थाने के बार बार चक्कर काटने के बाद पुलिस ने एक हफ्ते में पीड़िता को मेडिकल कराया। 10 दिन बाद मामले में FIR लिखी। DIG से मिली पीड़ित और उसकी मां। बरेली में फर्जी कॉल सेंटर पर दिल्ली पुलिस का छापा। 9 युवतियों सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया। सरकारी योजनाओं के नाम पर बेरोजगारों से कर रहे थे ठगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी किया गिरफ्तार। 25 से ज्यादा मोबाइल, 2 लैपटॉप और चेकबुक बरामद। आगरा में SSP की SOG टीम ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। 14 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। थाना जगदीशपुरा के राज गार्डन में चल रहा था जुए का अड्डा। छापेमारी से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा। रायगढ़ में गिरी 5 मंजिला इमारत। मलबे से 60 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। अब भी कई लोग फंसे। राहत बचाव कार्य जारी। एक शख्स की मौत। NDRF की 3 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। रायगढ़ हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। राहुल ने लिखा, मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं। राज्य सरकार से अपील, घायलों और फंसे लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाएं मदद। कांग्रेस के साथी भी हाथ बटाएं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। पार्वती नदी में सीहोर जिले की 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक युवती अब भी लापता बताई जा रही है। कानपुर पुलिस लाइन की बैरक की छत गिरने से हादसा। 3 सिपाही घायल, 1 सिपाही की मौत। घायलों का इलाज रेजिडेंसी अस्पताल में चल रहा। यह हादसा रात 8:30 बजे हुआ, जब पुलिस लाइन में सिपाही खाना बनाने के बाद आराम कर रहे थे। तभी अचानक बैरक का छज्जा गिर गया, जिसमें कई सिपाही दब गए। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में पिकअप को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। 2 लोगों की हालत नाजुक। कानपुर रेफर। 13वीं संस्कार में जा रहे थे सभी पिकअप सवार।
बागेश्वर में नेशनल हाईवे 309 ए पर पौड़ी बैंड के पास हादसा। अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरा। बागेश्वर से हल्द्वानी जा रहा था ट्रक। एक शख्स की मौके पर मौत। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में गेस्ट हाउस में लगी आग। आग लगने से इलाके मची अफरातफरी। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। जल्द मिल सकती है मेट्रो से सफर करने वालों को खुशखबरी। अनलॉक 4 में शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। 1 सितंबर से पटरी पर दौड़ सकती है दिल्ली में मेट्रो। 22 मार्च से बंद है मेट्रो सेवा। हरदोई में खाद की किल्लत को देखते हुए डीएम खुद निरीक्षण करने पहुंचे। सहकारी समिति खाद केंद्र भदेजा और असौली का डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सभी केंद्रों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना खतौनी के खाद का वितरण न किया जाए। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। यहां बाढ़ में बह जाने से 9 लोग की मौत हो गई, जबकि 78 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजकोट में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर के पिछले हिस्से में बाढ़ की लहरें तांडव मचा रही हैं। मंदिर का काफी हिस्सा बाढ़ की लहरों में डूब चुका है। इसके साथ ही यहां के कई बांधों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में अभी और सताई की बारिश। 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश के 8 जिलों में 28 अगस्त तक बारिश की संभावना। आगरा में यमुना में नहाते वक्त पैर फिसलने से 2 दोस्त पानी में डूबे। युवकों को डूबता देखकर बची चीख पुकार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को पानी में उतारा। युवकों की तलाश जारी। मुरादाबाद में उफनती नदी में जान की बाजी। रेलवे पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं लोग। चंद पैसों की शर्त में जिंदगी से सरेआम खिलवाड़। वीडियो वायरल के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। चमोली के ठेली गांव में सड़क बंद होने से ग्रामीण एक घायल शख्स को कुर्सी पर बैठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। लक्सर में ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों की हालत खस्ता हाल है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिस वजह से लोग जान को हथेली पर रखकर इन खतरनाक रास्तों पर सफर करते हैं। लक्सर विधानसभा इलाके की ज्यादातर सड़कों का यही हाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ी अफवाह। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कोरोना वैक्सीन में चिप लगे होने का दावा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की अफवाह की निंदा। एमपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। एटा के डॉक्टर ने तैयार किया 72 घंटे में कोरोना मरीजों को ठीक करने का फॉर्मूला। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और ICMR से मांगी अनुमति। इस थेरेपी से कई मरीजों को 72 घंटे के अंदर ठीक करने का दावा। कोविड मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। इस महामारी से निजात दिलाना चाहते हैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन। स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अतुल गर्ग ने अस्पताल से एक वीडियो जारी कर गाजियाबाद की जनता को धन्यवाद दिया। अतुल गर्ग ने कहा कि लोग मेरे जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनका एहसान मंद हूँ। मैनपुरी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज। सच लिखने वाले पत्रकारों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमे। प्रदेश में सरकार और पुलिस की मनमानी। भाजपा को बताया झूठी पार्टी। डॉक्टर जाकिर नायक की देवबंद के उलेमाओं ने की निंदा। कहा जाकिर नायक माहौल खराब करने की बात ना करें। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं। सीतापुर में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने इलसिया पार्क पहुंचकर किए गए वृक्षारोपण की समीक्षा की। वन मंत्री ने नैमिषारण्य पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान वन मंत्री ने कहा हमारी सरकार ने प्रदेश में 30 करोड़ पौधे रोप